इसराइल और हमास के बीच पिछले 23 दिनों से खूनी जंग जारी है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इसराइल की नेवी और एयरफोर्स की नॉनस्टॉप बमबारी हो रही है। इस जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजरें टिकाए हैं। जंग को लेकर पीएम मोदी लगातार वैश्विक नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी से फोन पर चर्चा की है और गाजा के लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताई। बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, कल राष्ट्रपति अल सिसी से बात हुई, हमने पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन की हानि के संबंध में चिंताओं को साझा किया। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाने की जरूरतों पर सहमत हैं। बता दें कि भारत की ओर से गाजा को मानवीय मदद भेजने के बाद पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बात की थी। जंग को लेकर पीएम ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास से भी फोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने जॉर्डन किंग से कहा कि सुरक्षा और मानवीय संकट जैसे मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। पीएम ने आतंकवाद और हिंसा पर भी अपने विचार रखे थे। बता दें कि गाजा में इसराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। इलाके में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से गाजा में 23 लाख लोगों का आपस में और बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट भी कट गया है। इसराइली रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह जंग अब नए स्टेज में पहुंच गई है। उधर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इसराइली सेना ने गाजा में हमास के आतंकियों को खत्म करने का प्रण लिया है। हम धीरे धीरे पूरे गाजा पर कब्जे के करीब पहुंच रहे हैं। आपको यह भी खबर हो कि जंग के बाद से 23 दिनों के भीतर गाजा में करीब 7700 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 2900 से ज्यादा नाबालिग और 1500 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब भी करीब 1700 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है।